वेलकम फ्रेंड्स, अब आई एम गोइंग टू डिस्कस फेरारीज मेथड। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेम के मैथ में, और ये लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है। सो अब मैं इस सवाल को करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या फेरारीज मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी अगर हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चार डिग्री की इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब पहले देखते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है, कंप्लीट है, जैसे इसमें ये हमें दिखाई दे रही है कंप्लीट इक्वेशन है, चार डिग्री भी है, तीन भी है, दो भी है, एक भी है और जीरो डिग्री भी है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो x की 4 का जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज, फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कैन बी रिटन एज x की 4 माइनस 10x की क्यूब इज इक्वल टू माइनस 35x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 24। लिख दिया हमने इसको। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको, हम इस इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं x की 4 है, इसको तो मान ले, ये तो a मान ले, अगर हम इसको a मान ले तो x स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए तो 5x बच रहा है हमारे पास, यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हम 5x का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, मीन्स 25x स्क्वायर, तो ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा। देख लीजिए, ये अगर मान लो x स्क्वायर ले, इसको x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर ले और 5x ले, सो कितना होगा हमारे पास, टू से मल्टीप्लाई करते 2ap आता है ना, सो 10x की क्यूब आ गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। अब ऐड कर देते हैं इसमें हम 25x स्क्वायर, सो x की 4 माइनस 10x की क्यूब प्लस 25x स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, से कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 35x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 24। तो यानी कितना आ जाएगा, ये माइनस 10x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 24। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो है हमारे पास, ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर बन गया। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 24। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें अगला स्टेप क्या करना होता है। शुरू में हमने इसको होल स्क्वायर बना लिया, अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें कुछ लैम्डा ऐड करके वो करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, अगर देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर होगा प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस, इसको एक मान लेते हैं, ऐसे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा। अब हमारे पास इसकी तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 24 प्लस कितना आएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ओके,
अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशियंट्स को अलग, एक्स वाले कोफिशियंट्स को अलग और कांस्टेंट वाले अलग करेंगे। सो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस टेन, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है, दैट इज प्लस टू लैम्डा। ओके अब प्लस करें, एक्स वाले कितने आएंगे हमारे पास 50, ये यहाँ से माइनस टेन लैम्डा, और कॉन्स्टेंट कितना है लैम्डा स्क्वायर माइनस 20। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ओके अब हमें क्या करना है कि जो RHS हमारे पास है ये वाला, इसमें लैम्डा की वैल्यू हमें कुछ इस हिसाब से चूज करनी है कि जो ये RHS है ये जीरो हो जाए। ये कब हो सकता है, तब हम डिस्क्रिमिनेंट को, जो RHS का डिस्क्रिमिनेंट है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दे। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो डिग्री की, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4AC को जीरो के इक्वल पुट कर दे तो हमारे पास इस ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या क्या करना है, हमें क्या करना है, लेट अस चूज लैम्डा इन सच ए वे दैट RHS ऑफ इक्वेशन थर्ड है हमारे पास ये, ओके इक्वेशन थर्ड का RHS क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एंड दिस कैन बी डन by putting discriminant of RHS is equal to zero। RHS का जो discriminant उसको जीरो के ऊपर पुट कर देंगे। मतलब क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारे पास b है, b ये a है, दैट इज b, सॉरी यस x था ये मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज a माइनस टेन प्लस टू लैम्डा, 50 माइनस टेन लैम्डा बी है, एंड सी इज 10 लैम्डा स्केयर माइनस 24। सो बी स्केयर माइनस 4AC को जीरो के इक्वल पुट कर दे, मीन्स 50 माइनस टेन लैम्डा का होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास, माइनस टेन प्लस टू लैम्डा, एंड सी कितना है हमारे पास, लैम्डा स्केयर माइनस 24। इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ओके इक्वल टू जीरो। ओके अब आगे हमारे पास क्या आएगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको एज इट इज रहने देते हैं पहले, 50 माइनस 10 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको अगर आगे करें कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 240 प्लस 2 लैम्डा की क्यूब माइनस 48 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें से 10 तो सीधा सा बाहर ले सकते हैं, इसमें से हम तो अंदर, अगर इसमें 10 कॉमन ले अंदर या फिर 5 कॉमन ले अंदर, तो 5 कॉमन लेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, या फिर इसमें 4 है ना तो हम यहाँ से 4 ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ले सकते हैं 4 कॉमन, बिकॉज इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, सभी टर्म्स का स्केयर है, उसमें 4 तो ज़रूर आएगा क्योंकि 5 50 है, 2500 आएगा, 2500 में से 4 कॉमन ले सकते हैं। चलो देखते हैं आगे हो जाएगा, ये 4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 नहीं, तो 4 इसमें से पूरे में से कॉमन आ जाएगा। सो हो गया ये, यहाँ से कितना बचेगा अंदर, 2 था तो 25 का स्केयर मीन्स 625 प्लस 5 था यहाँ पे, सो 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 25 गुणा 5 125 इंटू 250 लैम्डा माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 तो कॉमन था ही पूरे में, तो यहाँ से हो जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 240 माइनस 2 लैम्डा की क्यूब
प्लस 48 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। कोई भी एक वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से तो हमारा काम चल जाएगा। ओके चलो देखिए, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, थोड़ा इजी कर लेते हैं। यहाँ पे हम बी स्केयर माइनस फोर ए सी कर रहे थे, आर एस एस को हमें जीरो बनाना था। तो बी स्केयर ये हो गया हमारे पास 50 माइनस 10 लैम्डा का होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी हो गया। अब यहाँ से देखिए सीधा सा दिखाई दे रहा है हमें कि सेकंड जो है उसमें 2 लैम्डा माइनस 10 है। तो अगर हम देखें तो इसमें से 2 भी बाहर कॉमन ले ले तो लैम्डा माइनस 5 हो गया। इसमें से भी लैम्डा माइनस 5 हम बाहर कर सकते हैं, वो कैसे, अगर 10 अगर इसमें से कॉमन ले ले, अगर 10 कॉमन लेंगे तो बाहर आके 100 हो जाएगा। 10 को मिलेंगे तो बाहर आके 100, सो ये बच कितना गया हमारे पास 5 माइनस लैम्डा का होल स्केयर माइनस, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो कितना बच गया हमारे पास 8 लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा स्केयर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। अब आगे हम पूरे में से 5 माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। अगर 5 माइनस लैम्डा अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना बच गया 100 इंटू 5 माइनस लैम्डा बचेगा यहाँ से माइनस 8 इधर, 5 माइनस लैम्डा अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया था तो माइनस 1 बचेगा यहाँ से, दैट इज माइनस 1 इंटू लैम्डा स्केयर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, इजी है वैसे तो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम एक वैल्यू लैम्डा की निकाल लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से 5 माइनस लैम्डा जीरो के इक्वल आएगा और ये वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5, सो लैम्डा की वैल्यू 5 हमारे पास आ गई है। ओके सो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई है। तो हम जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, देखिए थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस लैम्डा का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 10 इंटू एक्स स्केयर, फिर x की टर्म थी 50 माइनस 10 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 24। अगर हम इसकी 5 वैल्यू पुट करें इसमें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 पुट करें 0, 10 माइनस 10 0 हो गया ये, यहाँ पे 5 पुट करें 50 माइनस 50 ये भी 0। तो हमारे पास सिर्फ लैम्डा स्केयर माइनस 24 बचेगा इस साइड, लैम्डा स्केयर माइनस 24 नहीं, लैम्डा की तो वैल्यू 5 है, तो 25 माइनस 24 इधर 1 बच गया हमारे पास। और एल एच एस हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 5 का होल स्केयर, सो हमारे पास ये आ गया एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 5 का होल स्केयर आ गया हमारे पास 1, ये हमारे पास आ गया 1। अगर हम देखें एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर रूट हटा दे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो हम दो वैल्यू, अब यहाँ से हमारे पास क्या था, क्यू बाइक्वाड्रेटिक था, तो हमें 4 वैल्यू चाहिए, एक बार प्लस 1 टेक देंगे एक बार माइनस 1 टेक देंगे। तो देखते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और दूसरा एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इधर से देख लीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस माइनस रूट बी स्केयर मीन्स 25 माइनस 4 ए सी, 4 इंटू 1 इंटू 4 16 बाई 2, 5 प्लस माइनस 9 इन रूट बाई 2, सो 5 प्लस माइनस 3 बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 5 प्लस 3 बाई 2 आ जाएगा एक तो, और एक 5 माइनस 3 बाई 2 8 बाई 2 4
टू बाई टू वन, दो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई और दो यहाँ से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला यूज कर रहे हैं जैसा पिछले में भी यूज किया था, फाइव प्लस माइनस टू बी स्क्वायर मतलब पच्चीस माइनस चार ए सी में चार गुना छः चौबीस बाई टू, सो पाँच प्लस माइनस अनरूट वन अब वन हो जाएगा बाई टू, सो पाँच प्लस एक छः बटे दो तीन आ गया, पाँच माइनस एक चार बटे दो दो आ गया, तो हमारा रूट क्या जाएंगे सारे, हेंस द रूट आर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर आ गए हमारे पास लगातार चार रूट। ओके एंड दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे आप देखते रहिए।